है गाइस, आप सब लोग कैसे हो? आई थिंक बहुत ही अच्छे होंगे। पर भाई क्या बताऊं, मैं मतलब शॉक हो चुका था। मैंने शाम को मतलब सो के उठा तो देखा मोबाइल पे हर कोई एक स्टोरी स्टेटस डाल रहा था, तो मैंने चेक किया और देखा कि वो जो अम्ब्रेला गर्ल है, भाई नहीं जानते हो तो देख लो। हाँ पहचान लिया, हाँ यही है। तो हर कोई कह रहा है कि ये गर्ल मर चुका है। क्यों? ओ लोग ये बोल रहे हैं कि उसको ज़्यादा ही ट्रोल किया गया है, क्योंकि ज़्यादा इसको मतलब हाँ मतलब इतना ट्रोल किया गया है कि ट्रोल की वजह से वो मर गया। मैंने सोचा कि सच में कोई ट्रोल के लिए मर सकता है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि सच में क्या यही मर गया है? तो मैंने थोड़ा पूछताछ किया, फिर मैंने बहुत सारे वेबसाइट पर सर्च किया और देखा कि मतलब हमारा अम्ब्रेला दीदी नहीं मरा, मरा तो कोई और है। वो है शंपा हवलदार, जो मालदार पे रहने वाला है। वो एक लड़की मर चुका है, पर कुछ यूट्यूबर्स और मतलब टिकटॉकर्स ऐसे मैंने वायरल कर रहा है कि क्या बताऊँ, हर जगह पर यही बता रहे हैं कि अम्ब्रेला गर्ल मर चुका है, अम्ब्रेला गर्ल मर चुका है। भाई लाइक के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्या लोग? भाई जिंदा आदमी को मार रहे हो, ये क्या है भाई? भाई मारो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे लगता है। पर भाई ये एक नंबर का फेक न्यूज़ है, और बहुत सारे मेरे दोस्त तुम लोगों ने, मुझे पता है तुम लोगों ने भी विश्वास कर लिया। तुम लोगों का तो काम ही है, जो भी सुनते हो बस हो गया वही। तो खुद पहले जानने से मतलब सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, पहले उसके बारे में जानो फिर स्टेटस डालो। और तुम लोग तो हर कोई स्टेटस डाल चुके हो कि वो मर गया है मर गया है, पर सच में वो नहीं मरा है, एक फेक न्यूज़ है। और यही मैं बताने के लिए ये वीडियो बनाया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी पता चले कि अम्ब्रेला दीदी नहीं मरी है। और आई थिंक कोई कितना भी ना ट्रोल नहीं करना चाहिए, और अब हो गया है उससे गलती तो इतना ट्रोल मत करो यार। इतना मतलब वो सच में सुसाइड कर लेगी, तो ट्रोल करना बंद कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।